मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन, ALCS जयपुर। हेलो, माय नेम इज समृद्ध भावे एंड मुझे 8 से 8 से 9 महीने हो चुके हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराए बाय डॉक्टर सुनील अरोरा। जो पहले मेरा नेगेटिव पार्ट था कि मैं काफी अंडर कॉन्फिडेंट था, क्राउड फेसिंग में मुझे इश्यूज होते थे और एक डिप्रेशन सा हो गया था, वो अभी मैं काफी एक हैप्पियर स्टेज पे हूँ। बहुत कॉन्फिडेंट हूँ लाइफ में एंड एवरीथिंग इज गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। अगेन थैंक्स टू डॉक्टर सुनील अरोरा फॉर दिस। समृद्ध, आपको कितना टाइम हो गया हेयर ट्रांसप्लांट कराए? मुझे 8 से 9 महीने हो गए। 8 से 9 महीने हो गए, ठीक है। अच्छा, इस ड्यूरेशन में जैसा आपने खुद की प्रोग्रेस देखी, खुद का आपका आपने रिजल्ट देखा, आपको डेंसिटी कैसी लगती है आपने ट्रांसप्लांट के लिए? मतलब एक्सेप्शनल रिजल्ट्स, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट डिलीवर हुआ है। काफी डेंसिटी है और जितनी मतलब मैंने एक एक्सपेक्टेशन बाहर रखी थी उससे ओवर अचीव ही हुआ है। और अगर अपन नेचुरलनेस की बात करें तो कितना नेचुरल लगता है, कितने लोग आपको ऑब्जर्व करके कह पाते हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट हुआ लग रहा है? अगर काउंट ले तो 10 में से 8 से 9 लोगों को ये नेचुरली लगता है। और आपको कैसा लगता है नेचुरलनेस की बात करें? मुझे खुद मतलब पहले जैसे एट द टाइम ऑफ माय ग्रेजुएशन मेरे बाल हुआ करते थे वैसे ही बिल्कुल अभी सेम फीलिंग आता है। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपके रूरल एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ स्कार विजिबल दिखता हो, कोई निशान दिखता हो, कोई मेकआउट कर पाता हो कि यार बाल नहीं है इस एरिया में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक ऐसा नहीं ड्यूरिंग जैसे? अच्छा, दूसरा एक कंसर्न सबका रहता है कि सब जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो ड्यूरिंग प्रोसीजर बहुत पेन होता है। मुझे मतलब एज सच कोई पेन फील नहीं हुआ। मतलब जब एट द टाइम जब ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम भी डॉक्टर ने मेरे से कम से कम 10-15 बार पूछा होगा, आई स्टिल डिडंट फील एनी पेन। कोई लोकल एनेस्थीसिया या उसके दौरान आपको पता लगा हो कि यहाँ कुछ मेरे साथ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इट वाज एज स्मूथ एज बटर। और पोस्ट प्रोसीजर भी कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट रहा हो, कोई हैवीनेस स्वेलिंग कुछ आई हो फेस पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और जैसे बहुत सारे लोग हमसे आके टेक्निक्स के बारे में पूछते हैं कि FUT कराए या FUE कराए या कॉम्बिनेशन कराए, तो आपको क्या लगता है कि FUT कराने से कुछ पेन ज्यादा होता है या डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है या ऐसा कुछ आपको फील हुआ? नहीं, इट वॉज वेरी स्मूथ, आराम से, मतलब इट वॉज वेरी नेचुरल। बट स्टिल वुड रिकमेंड, जैसे मैंने अपने लिए कॉम्बिनेशन चूज किया था उसी के साथ आ गए थे। हाँ, बिकॉज ये सब एक्चुअली डिपेंड करता है आपके लिए क्या बेस्ट है ना। दोनों टेक्निक्स में इट्स नॉट लाइक कि FUE बेस्ट है या FUT बेस्ट है या कॉम्बिनेशन बेस्ट है। एरिया ऑफ बॉल्डनेस, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट, फिर आपका डोनर एरिया कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है हम किस टेक्निक से आपका करेंगे ट्रांसप्लांट। समृद्ध के केस में जैसा कि Grade 5 बॉल्डनेस था और एरिया ऑफ बॉल्डनेस काफी ज्यादा था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था एक डिस्कशन के बाद कि हम कॉम्बिनेशन से करेंगे FUT और FUE, सो दैट मैक्सिमम और नेचुरल डेंसिटी हम फ्रंट में दे सके और मैक्सिमम एरिया भी कवर कर सके। सो अब 8 महीने हो गए समर्थ के रिजल्ट को और हम देख सकते हैं कि रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल है। डेंसिटी पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल नेचुरल और हाई डेंसिटी है। बालों का डायरेक्शन हम देखें, एंगुलेशन देखें, किस तरह से बाल हेयर स्टाइल समर्थ ने किया, वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, उसमें कहीं पे भी कोई बिल्कुल नेचुरल लुक, प्रॉपर जिगजैग तरीके से फ्रंट की हेयरलाइन है, बालों का डायरेक्शन बिल्कुल नेचुरल तरीके से जा रहा है। एंड समर्थ की जो जर्नी रही है पूरे 8 महीने की वो भी बहुत स्मूथ रही है, किसी तरह का कोई मेजर प्रॉब्लम या पेन या डिस्कम्फर्ट को बिल्कुल नहीं रहा है।